बाबू आपने थाना थाया? आप प्लीज इसे कट कर देना। दोस्तों हम सबकी जिंदगी में व्हाट्सएप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर छोटी सी बड़ी चीज की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे मीडिया फाइल हो, सब चीजें हमें जो मिलती हैं वो व्हाट्सएप से ही मिलती है सीधा। मगर कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी से एक दिन व्हाट्सएप ही डिलीट हो जाए? एक तरफ तो मेटा रोज नए नए अपडेट्स लेके आ रहा है, नए नए फीचर्स लेके आ रहा है व्हाट्सएप के लिए, मगर दूसरी तरफ अगर अचानक से मेटा ने ये बोल दिया कि हम व्हाट्सएप को बंद कर रहे हैं और इंडिया से जा रहे हैं, तो आपने कभी सोचा कि क्या होगा? स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं टेक असिस्ट, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के क्यों जाना चाहता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, व्हाट्सएप में कुछ ऐसा चल रहा है, व्हाट्सएप के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि या तो मजबूरन या फिर जो भी आप समझिए, उसके कारण शायद व्हाट्सएप इंडिया को छोड़ के जा सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स है, 535.8 मिलियन यूजर्स, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को पहले से याद है। मगर व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का इतना बड़ा पार्ट बन गया आज की डेट में कि हम लोगों को खुद भी नहीं पता कि व्हाट्सएप के बिना दुनिया कैसी होगी। मतलब अगर किसी से बात करनी हो या किसी को कॉल करना हो, किसी को मैसेज करना हो, आपके पास ऑडियो कॉल होता है, आपके पास वीडियो कॉल होता है, आपके पास ग्रुप कॉल का ऑप्शन भी होता है, आपको कोई मीडिया फाइल भेजनी हो, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो कोई वीडियो हो या फिर कोई सॉन्ग हो, वो सब के सब हम लोग व्हाट्सएप से ही भेजते हैं। और स्पेशली हमारे वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, चार लोगों को भेजिए आपका दिन चुप जाएगा। मगर इंडिया में इतनी पॉपुलर डिमांड होने के बावजूद भी व्हाट्सएप इंडिया क्यों छोड़ के जा रहा है? अब देखो यार, टिकटॉक तो एक चाइनीज ऐप था जो बैन हुआ, तो उसके चलते मेटा ने हमें रील्स का ऑप्शन दे दिया, मगर व्हाट्सएप तो ऑलरेडी मेटा का है, जब वो चला जाएगा तो उसको कौन रिप्लेस करेगा? अब शुरुआत में चलते कि इस चीज की शुरुआत हुई कैसे। दोस्तों इंडिया में स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं और नए नए स्कैम्स होते रहते हैं। मतलब हम लोग स्कैम्स बताते बताते थक जाते हैं एक टाइम के बाद, मगर ये स्कैम्स ऑपरेट होते होते खत्म नहीं होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कैम्स होते हैं ये व्हाट्सएप के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी जो डेटा होता है वो लीक नहीं हो पाता, वो व्हाट्सएप पे ही रहता है और उसके आप एविडेंस की तरह प्रूफ नहीं कर सकते उसको, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के चलते। उसी तरह से जब हमें कोई नेगेटिविटी फैलती है या कोई र्यूमर फैलता है या फिर कोई फॉल्स न्यूज फैलती है या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो लीक होता है, वो भी व्हाट्सएप से लीक होता है और एक सोर्स से निकलता है और न जाने कितने सोर्सेज तक पहुंच जाता है। उन सब के चलते हमारा जो व्हाट्सएप है वो हमारी सरकार के लिए काफी ज्यादा दुखदाई बन जाता है। साफ शब्दों में सरकार ने बस इतना कहा कि जो भी ये फॉल्स मैसेजेस जाते हैं या फिर जो भी स्कैम्स ऑपरेट होते हैं या जो भी ये लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों की हमें सोर्स की इन्फॉर्मेशन दे दो कि जो भी ये सोर्स है जहां से ये सब चीजें लीक हो रही है उस बंदे का पता हमें बता दो, जो भी हमें, वो भी जब नेसेसरी हो तब हम आपसे मांगेंगे कि आप हमें उस सोर्स का इन्फॉर्मेशन दे दो। मगर उसके चलते जो व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी होती है, जो कि आप कभी भी चैट खोलोगे सबसे ऊपर वही लिखा आएगा, जिसका साफ मतलब होता है कि जी आपने मैसेज भेजा और सामने वाले ने पढ़ लिया, उसके अलावा और किसी का भी इस पे हाथ नहीं होगा और किसी की भी इस पे नजर नहीं होगी, और ये सारे के सारे मैसेज इंक्रिप्टेड होंगे कोड्स में, यानी कि मेटा के ऑफिस में बैठे हुए लोग आपको जज नहीं कर रहे कि आप अपनी क्रश से कितना भी ज्यादा क्रीपी किस्म से बात कर रहे हैं या फिर वो आपको भाव नहीं दे रही, किसी को कुछ नहीं पता, यू आर सेफ। आगे चलते हैं। तो हुआ ये कि इस बात पे मार्क भैया ने, यानी कि मेटा ने साफ मना कर दिया कि जी हम अपनी इस पॉलिसी को तो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, यही तो विश्वास है और इसी विश्वास के दम पे लोग हमारा व्हाट्सएप चला रहे हैं। कई बार इन सब चीजों पे एक्सेस मांगने के बावजूद जब सरकार के साथ मेटा ने या फिर व्हाट्सएप ने कॉपरेट नहीं करा, तो फिर सरकार ने कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करा या फिर जो भी कुछ कहा हो कि जंगल में रहकर शेर से बैर लोगे क्या, या जो भी कुछ कहा हो, उसके चलते व्हाट्सएप ने एक ऐसी स्टेटमेंट रिलीज करी जिसके चलते हम सबकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। व्हाट्सएप ने साफ कहा कि हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, इसको एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहने देंगे, और अगर हमारे साथ जोर जबरदस्ती करी जाए या फिर हम लोगों पर दबाव डाला जाए तो हम लोग इंडिया से व्हाट्सएप को क्विट कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब इस बात पर काफ़ी सारे विवाद हो रहे हैं और इन विवादों का फैसला जो आएगा वो आएगा अगस्त में, अगली बैठक अगस्त में होगी और तब हमें पता लगेगा कि भाई की कॉम्प्रो हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि भाई कॉम्प्रो करने के मूड में है नहीं। मगर अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो बस आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और अगर जो कॉम्प्रो है वो नहीं हुई तो उनको डायरेक्ट झटका ना लगे, उनको पता रहे कि ऐसा कुछ होने वाला था। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है इस वाली न्यूज के ऊपर या फिर कुछ भी फैसला निकल के आता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई जाऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक असिस्ट, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।